कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, दोस्ती बरकरार है। और फ्रेंडशिप्स डे के मुझे फिर भी शौक लगा बिकॉज वो प्लेयर तो अच्छे थे। रिश्ते बचाने झुकना है तो झुक जाओ, पर अगर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और उनका शुरू से ही था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, और उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बट नेज़ी भी मेरी नज़र में विनर है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा था और कोई नहीं, उसने लोगों का दिल जीता है, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। लेकिन सना को डिजर्विंग विनर नहीं बोल रहे हैं, रणवीर सॉरी ने भी बोला था। रणवीर सर और सना कपूर का जो भी था मसले मसाइल जो भी उनके आपस में, तो शुरू से उनकी नोकझोंक थी। और हैविंग सेड दैट इट्स ओके ना, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, सबका ओपिनियन अलग होता है, किसी की नज़र में वो डिजर्विंग है, किसी की नज़र में वो नॉन डिजर्विंग है। बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो बोला था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं जीतना ही और मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, उन्होंने करके दिखाया। तो आई डोंट थिंक अभी किसी को उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए। शो हो गया है, अब जस्ट चक ऑल द नेगेटिविटी। और मैंने भी अब डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी के हवाले से कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी, जस्ट बी पॉजिटिव। और क्या बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत का खून है। अदनान के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जो अदनान का कंट्रोवर्सी चालू है, मुनव्वर को उसने कल कुछ बोला है, अदनान की कंट्रोवर्सी चालू है, मुझे इसका इल्म नहीं है। क्या मतलब? जैसे नेज़ी घर में आए थे, ये मुनव्वर घर में आए थे, तो नेज़ी को उन्होंने एक मजाक उड़ाया था, रोस्ट किया था, तो उसको ही लेके सब यार पता नहीं, मतलब उसके हवाले से मैं क्या ही बोलूँ। मुनव्वर एक कॉमेडियन है और उन्होंने जो चीज़ बोली, मुझे भी लगता है कि नेज़ी थोड़े से सेंसिटिव है तो वो उनको हर्ट हो गया। और जैसे कि मैंने कहा कि नेज़ी के मुंह में फिल्टर नहीं, जो उनके दिल में उनकी ज़ुबान उनको चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। सो आई होप कि मुनव्वर और नेज़ी आपस में मिलकर क्लियर करते, क्योंकि उन लोग पहले अच्छे दोस्त थे और दुआ ये है कि उनकी दोस्ती बरकरार है। और फ्रेंडशिप्स डे के दिन से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है, यू नो, जब दो दोस्त आपस में मिल जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सना से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, सना से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। नेज़ी से भी नहीं हुई है, साई से भी नहीं हुई। आज तो मैं अपने दोस्तों से आई हूँ जिनको मैं बकायदा एक महीने बाद मिल रही हूँ। मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन मतलब जब मैं नर्सरी में थी तब से मेरी दोस्त है। एक तो यहाँ पे मैं उनको भी बुला लीजिए, उसको भी बुला, हाँ बुला लीजिए। गाइस कम 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 अक्षय आयु, अपना नाम बता दीजिए। नाम आधार कार्ड भी दिखाओ। ये दोस्त जब हम नर्सरी में थे तब से मेरी दोस्त है और मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि दोस्त उनको ही बनाओ जो आपको इसीलिए मोहब्बत करता है क्योंकि आप उनके साथ पुराने रास्ते में, इसलिए नहीं कि यू ना आप कुछ लाइफ में बन गए तब लोग आपसे आजकल छिपकते हैं। जितने भी दोस्त है ये लिटरली मेरे बचपन के पुराने दोस्त हैं। ये कॉलेज फ्रेंड्स है, ये बचपन की दोस्त है। नहीं, ये कॉलेज फ्रेंड नहीं, अरे वाइट नहीं मिल रहा है ना। जितने भी ये सारे पुराने। आपको कैसा लगा सना जी का बिग बॉस का? अमेजिंग, हम बहुत एक्साइटेड थे, हमें देख के इतना मजा आ रहा था और वी वर वेटिंग, इतना प्राउड थे हम लोग। एग्जैक्टली, इतना अच्छा खेला है उसने, बहुत अच्छी से खेला। इन लोगों को पता है क्या लग रहा है, आज का बिल मैं देने वाली है। बाहर निकल के हम लोग इतना मिस कर रहे थे इसको, एक महीना देखा नहीं इसको, फाइनली आज हम लोग देख रहे हैं। हम इसके पास टाइम ही ना, फाइनली आज हम लोग टाइम दे रही, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी शायरी कैसे लगती है? ये हमारे साथ रोज करता है, ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। मेरी उर्दू, मेरा आला आला गर्ल तो अभी पॉपुलर हुआ है टीवी पे। ये लोग मुझे आला गर्ल बहुत पहले से बोलते हैं। कम मेरी दोस्त है, बहुत शाय फील करती है। बस आज कैमरा आज घूंघट पे नहीं आई है, इसलिए यही बोलना चाहूँगी कि मैं सच बोलूँ, मेरा लव कटारिया के साथ कभी जमा नहीं, क्योंकि मैंने उनको जानने की कोशिश नहीं की, लव ने मुझे जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे फिर भी शौक लगा बिकॉज वो प्लेयर तो अच्छे थे और वो इतना जल्दी जाना डिजर्व नहीं करते थे। बट मुकद्दर का खेल है, नाज़ा सर यहाँ पे ज़िंदगी नहीं रुकती। कई मरतबे ऐसे भी होता है कि लोग बिग बॉस की ट्रॉफी लेके जाते हैं तो भी वो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाते, कुछ लोग नहीं लेके जाते हैं तो भी लाइफ में अच्छा करते। तो मैं नेज़ी के हवाले से यही उम्मीद रखती हूँ और सबके लिए यही मेरी दुआएँ कि ट्रॉफ़ी जीतो ना जीतो, आप लोगों का दिल जीत के जा रहे हो, ज़िंदगी के खेल में ज़रूर जीतो। मैम लास्टली आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और इस फ्रेंडशिप डे को लेकर क्या कहना चाहेंगे और योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? यही बोलूँगी कि जिस तरीके से आप मोहब्बत देते आए हो आगे भी दीजिएगा। और दोस्ती बहुत ही कीमती तोहफा होता है और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि दोस्ती में ना माफ़ करना हमें सीखना चाहिए। तो अगर रिश्ते बचाने झुकना है तो झुक जाओ, पर अगर बहुत ज़्यादा झुकना पड़े तो रुक जाओ। थैंक यू सो मच।